حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير <applause> اب تمام کو مدد یا کے بعد آج आपके कुछ सवाल मौसू हुए हैं कोशिश करेंगे आ, हम उन सवाल का मुख्तर कुछ जवाब अर्ज कर सकें आप तमाम तो की शुक्रगुज़ारी और जिन दोस्तों ने मोहब्बत से इल्म के खातिर कुछ सवाल किए हैं हम कोशिश करेंगे आ, अपनी बिसात के मुताबिक उनको जवाब दें एक हकीकत को याद रखें जहाँ पे मौला मुर्तजाली अलीसम ने फरमाया सलूनी कबिला अंतफ़िदूनी सलूनी अम्मादून आर्श इससे पहले कि आप मुझे खो दो मुझसे सवाल करें और अर्श के तहत जितनी भी चीज़ें हैं आप सब चीज़ों के बारे में आप मुझसे सवाल करें जहाँ मौला ने यह फरमाया है तो मौला के दिन के अंदर कोई सवाल ऐसा नहीं है जिसका जवाब ना हो और ऐसा भी नहीं है कि कोई सवाल पैदा हो जाए और उसके बाद उसके लिए कोई जवाब ढूंढा जाए आलरेडी मौला के पाक दिन के अंदर तमाम सवाल के जवाब मुहैया किए गए हैं वो अलग बात है कि मुझे जैसा एक लाचार कोई इल्मी कोई कमज़ोर शख़्स उसके पास जवाब नहीं भी हो सकता है लेकिन हमारे बुज़ुर्गान दीन ने आ, माजी के जितने भी किताबों के अंदर और जितने भी हमारे दाई फिदाई और उराफा गुजरे हैं तो उन तमाम ने अपनी कुतुब के अंदर तमाम सवालात के लिए एक मवसर जवाब उन्होंने दिया है सिर्फ़ और सिर्फ़ उनको पढ़ने की बात है और उनको समझने की बात है और उन सवाल का जो है जवाब जो लोगों के जहनों में सवाल पैदा होते हैं उनको जवाब देने की बात है तो यहाँ पे भी कुछ सवाल किए गए हैं तो मैं अर्ज़ करूँ कि कुछ सवालत तो ऐसे हैं जिनका मकसद सिर्फ़ सवाल है जिसका मकसद सिर्फ़ बहस है समझने की गरज से नहीं है ऐसे किसी सवाल का हम ना ही जवाब देंगे और क्योंकि यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ वो तमाम ममिन जो इस्माइली अक़ीदे से ताल्लुक़ रखते हैं क्योंकि इस पेज का मकसद इस चैनल का मकसद इस वीडियो का मकसद इस्माइली अकाइद की तबलीग नहीं है कि हम ऐसा नहीं है कि हम लोगों को इस्माइली अकीदे की कोई तबलीग कर रहे हैं या दूसरे लोगों को दावत दे रहे हैं बल्कि मौजूदा ज़माने के अंदर आप तमाम को मालूम है कि हम सोशल मीडिया की हकीकत से भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि आज तमाम यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे ऑनलाइन आ गई हैं दुनिया में इल्म को फैलाने का एक दूसरे से रताता करने का पूरा ज़रिया जब सोशल मीडिया ही है तो वहाँ पे हम वो तमाम इस्माइली यूथ या इस्माइली अक़ीदे से ताल्लुक़ रखने वाले अफ़रा जो मुख्तलिफ़ ममालिक काम के लिहाज से हैं या यूनिवर्सिटीज़ में हैं और उनको इस्माइली अक़ीदे को सीखने के लिए आ, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया नहीं किया जा रहा है या उनके लिए कोई ऐसा मुकाम या प्लेटफॉर्म नहीं है तो उनके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है कि हम यूथ मिलकर अपने अकाइद के हवाले से हमारे आइमा अलैहिस्सलाम ने जो कुरान की वजाहत की हमारे पीरों और दाइयों ने जो कुरान की वजाहत की है तो उस वजाहत की रोशनी में हम अपने अकीदे को समझें कि हमारा अकीदा हमारा नज़रिया क्या है और इसके अंदर अगर कोई दूसरे हमारे भाई सुनते हैं हम उनको खुश कहते हैं वो भी सुने लेकिन अगर उनको अक़दे के हवाले से मज़ब के हवाले से कोई सवाल है तो हम उनसे गुज़ारिश करते हैं वो अपने उलमा के पास जाए उनसे सवाल करें क्योंकि यहाँ पर एक बुनियादी चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि अगर हम किसी ईसाई को या किसी यहूदी को अगर हम कुरान क़ुरानी से कोई दलील दें तो वो कहेगा कि भाई मैं तो सबसे पहले क़ुरान को ही नहीं मानता हूँ तो मैं फिर उसकी दलील को क्यों कबूल करूँ अगर आप किसी ऐसे शख़्स से जो ख़ुदा के वजूद के ही मुनकिर हैं अगर आप उससे ये कहें कि अल्लाह ने ये फरमाया तो वो कहेगा कि मैं अल्लाह के वजूद का ही आरी हूँ तो फिर मुझे अल्लाह ताला की इस बात पे मैं क्यों यकीन रखूँ तो इसी तरह उस शख्स से जब बात करनी हो तो सबसे पहले अल्लाह ताला के वजूद के हवाले से डिस्कस करनी होगी न कि अहकाम के हवाले से इसी तरह जब किसी और शख्स से किसी यहूदी से किसी ईसाई से या किसी और अकीदे से ताल्लक़ कोई शख़्स रखता है उससे जब कोई गुफ्तू करनी होगी तो सबसे पहले उसको इस्लाम के अंदर जो इबादत हैं वो समझाने की जगह रसूल करीम सल वसल्लम किस तरह अम्बिया के सिलसिले के आखिरी रसूल हैं सबसे पहले उस पर ईमान लाने की बात होगी तो अब मुसलमान आपस में जब किसी अपने किसी अकीदे को समझने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे तमाम मुसलमानों में मुश्तरक क्या है क़ुर मजीद है और अहादी से सही हैं उसके बाद जब आप इसमाइली अकीदे की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इमामत का एक सिलसिला है हज़रत मौला मुरतजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो तावील के मालिक हैं तो ये तावील का सिलसिला इमाम अल्लाम के ख़ास पीरों के ज़रिए से वो शख्सियत जो उस ज़माने के इमाम सलाम से रुजू किया और उन्होंने इमाम सलाम से इस्मे आज़म लिया और उसके नतीजे में उनको मारिफत हासिल हुई अजदिली हजत ब हज़रत बुआत उ बताई दे दिल अश आगा बुअ उस मकाम पर जाकर उन्होंने अहल बैत के उस आलिम से जब उन्होंने इलम लदुन्नी को हासिल किया उनके उस नूर की रोशनी में उन्होंने जो इल्म बयान किया है तो उस इल्म को हम जितने भी उसके मानने वाले हैं उन पीरों के मानने वाले हैं उन इमामों के मानने वाले हैं तो हम आपस में हमारे इमामों ने हमारे पीरों ने ये फरमाया है अगर कहते हैं उस बीच में कोई शख्स अगर सवाल करे कि भाई मैं इस बात को नहीं मानता हूँ तो यकीनन उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वह उस बात को मान लें क्योंकि हम फिर शुरू में जाकर उसके साथ फिर अलग से कोई यहाँ पे कोई बहस करें यह मुनासिब नहीं है क्योंकि बहस व मुबाशा से कोई भी हासिल नहीं है आप यूट्यूब में जाएं जितने भी आ, फिरके हैं आपस में एक दूसरे के साथ मुनाजरा करते हैं बहस करते हैं कोई नतीजा नहीं है तो इस्माइलियों के लिए ये इजाज़त नहीं है कि हम किसी दूसरे के अक़ीदे के बारे में बात करें किसी का क्या अकीदा है कौन क्या अकीदा रखता है कौन क्या मानता है तो हमारे लिए इमाम असलात वसलाम की तरफ से ये इजाज़त नहीं है कि हम किसी दूसरे शख़्स की तरफ उंगली उठा के कहें कि आप ये गलत कर रहे हो बल्कि हम अपने अकीदे के हवाले से हम जो अकीदा रखते हैं वो क़ुरान के इस आयत को हम इस तरह से समझते हैं इस हदीस को हमारे पीरों ने इस तरह से वजाहत की है इन इन आयत की वजाहत हमारे इमामों ने इस तरह से की है उस रोशनी में हमारा ये अकीदा है कह के ये खसूस तौर पर इस्माइली अक़ीदे से ताल्लुक़ रखने वाले जो उन दाइयों को उन पीरों को उन इमामों को मानते हैं तो हम उन तमाम के साथ अपने अकीदे की बात कर रहे हैं हमारा मकसद किसी दूसरे अकीदे के किसी भी शख्स के साथ ना मुबाहिसा है ना मुनाजरा है न हम उन सवालात को लेंगे जिसमें किसी भी तरह से इख्तिलाफ हो क्योंकि बहुत सारों ने कहा कि क्या आप हमसे मुनाजरा कर सकते हैं अगर आप इतने बड़े आलिम हैं तो आ, क्या आप मुझसे मुकाबला कर सकते हैं तो देखें अवल इस बात की वजाहत हो कि इस्माइली मजहब में आलिम का मतलब ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आले मोहम्मद जो हकीकी मानों में जिनके पास कुरान मजीद की विरासत है जिनको नूर उन अला नूर के तहत हज़रत मौला मुतजा सलाम के बाद उनकी अलाद में जो एक सिलसिला चल रहा है हमारे यहाँ पर हकीकी आलिम उसी हस्ती को हम मानते हैं उसके बाद उनके पीरों और दाइयों को हम आलिम मानते हैं हम जो बयान कर रहे हैं हम अपने किसी इल्म की रोशनी में अपने किसी मकाम पे जाके इल्म को हासिल करके नहीं उन्होंने जो वजाहत की है वो वजाहत हम आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे हैं और इस डिस्कशन के अंदर उनके तालीमात को बयान करते हुए आफ्ताब है से मुझसे कमी कुताही हो सकती है क्योंकि मैं कोई मैार नहीं हूँ मैं कोई इल्मी मैार नहीं हूँ कि मुझे कोई जो है ना मैार समझें और उस मैार पे कोई इसमाइली अकीदे को तोलने की कोशिश करें दर हकीक़त इसमाइली मजहब के अंदर जो पीरों ने बयान की है तो वहाँ पे हम कभी कभी उनके एग्जैक्ट वर्डिंग हो तो हम रेफरेंस देते हैं कभी कभी उसके मफहम को हम अपनी ज़बान में बयान करते हैं कि उन्होंने ये ये इरशाद फरमाया है उसका मफहम ये बनता है तो इसलिए इस्माइली मजहब में आलिम या तो अहल बैत का आलिम है या वो हस्ती है जो अहल बैत के आलिम से अताई तौर पर इल्म में लदुनी को हासिल किया हो उन्होंने जो कुछ बयान किया है वो हमारे लिए मुस्तनत है हम उस बयान को उस इल्म को हर फ आखिर समझते हैं हमारे यहाँ पे कोई भी शख़्स इल्म को अपनी ज़ात से मंसूब नहीं कर सकता है तो इसलिए मैं कोई ऐसा आलिम नहीं हूँ दूसरी बात कि मेरे लिए मौल मौला की तरफ़ से ये हुक्म नहीं है कि मैं जाकर किसी के साथ अपनी नादानी में कभी कभी जज्बात में हमने ये गुनाह किया है लेकिन जब पता चला कि जमाने के इमाम की तरफ से ये मनशा मोला की नहीं है कि किसी के साथ भी किसी के अकायत को छेड़ा जाए किसी के दिल को ठेस पहुंचाया जाए किसी के अक़ीदे को कुछ कहा जाए किसी को ग़लत कहा जाए ये मौला की मनशा नहीं है जब पता चला है तो हम अपने उन आ, कामों से भी तोबा किया है और हम किसी के साथ ना बहस करेंगे ना मुनाजरा करेंगे सिर्फ और सिर्फ जो कुछ बयान करेंगे हमारे पीरों की तलीमत से हमने जितना समझा है वो इस्माइली यूथ आपस में हम एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे उसमें जो सवालात होंगे जो हम जवाब दे सकते हैं जो हमने पढ़ा है अपने बुज़ुर्गान दीन की तालीमात से उसका जवाब देंगे जो नहीं पढ़ा है वो हम अपने बुज़ुर्गान दीन से पूछेंगे हम अपने उलमा से पूछेंगे दूसरी शख़्सियात से पूछेंगे पूछ के हम अपने यूथ के लिए उन जवाब को मुहैया करने की कोशिश ज़रूर करेंगे और एक और चीज़ यहाँ पर हमारे किसी भाई ने सवाल किया कि मुझे इस्माइली अकीदे के अंदर दाखिल होना है या इस्माइली मजहब में आना है तो ये भी हमारा काम नहीं है मेरे मोहतरम इसके लिए हमारे यहाँ पे इस्माइली नामदार तरीक़ा बोर्ड है हमारे कौंसलात हैं इदारे हैं ये दरहक़त में जो यहाँ पे आपस में हम कुछ यूथ आपस में इल्मी डिस्कशन कर रहे हैं ये कोई किसी इदारे की नुमाइंदगी में नहीं है ये इंस्टीट्यूट की नुमाइंदगी में, में नहीं है ये नामदार तरीक़ा बोर्ड की नुमाइंदगी में नहीं है ये हम जमात के कुछ अफरा जो कुछ हमने अपने अकीदे को समझा है हम एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर रहे हैं इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है कोई गलती होगी हमारे कुछ आ, बड़े हमें समझाएंगे तो उसको हम दुरुस्त करेंगे और उसको हम अपने साथियों से माफ़ी मांगेंगे और अगर कोई बात ऐसी है जो कि दीन के मुताबिक है तो वो भी इमाम अलैहिस्सलाम और उनके पीरों का सदक़ा है उसमें भी हमारा कुछ भी नहीं है हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ आपस में डिस्कशन करना है और इस्माइली अकीदे के अंदर ऐसा नहीं है कि हर कोई शख्स किसी को इस्माइली मजहब में दाखिल करे कलमा पढ़ाए ऐसा कुछ भी नहीं है कोई मुसलमान है उसको कोई नज़रिया अच्छा लगता है तो वो उसका अपना एक मामला है और उसके लिए भी हमारे यहाँ पर इस्माइलिया कौंसलत और नामदार तरीक़ा बोट है खसूसी तौर पर उस काम के लिए उनसे रुजू किया जाए वो जिस तरह से हिदायत देंगे जो काम होगा उसी के मुताबिक ये आगे बढ़ेगा ये हमारा काम नहीं है अच्छा अक्सर जो सवाल किए गए हैं सोम सलात के हवाले से बहुत सारे सवाल किए गए हैं कि हमारे नमाज़ के हवाले से सौम के हवाले से शायद मेरा पहला लेक्चर आप लोगों ने नहीं सुना है मैंने उसमें ख़ूस तौर पर यह अर्ज़ किया था कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए आप देखें कि एक दुनिया की डिग्री को हासिल करने के लिए आप प्रेप क्लास से ले कर एक तरतीब से पढ़ते 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 जाकर 16 साल आपके लग जाते हैं कि आप कोई एक यूनिवर्सिटी की एक डिग्री को हासिल करते हैं तो यहाँ पे 1500 सालों तक इसमाइली मजहब के अंदर हमारे आइमा आसलम के अदवार में तावील दर तावील तावील दर तावील एक ज़ाहिर का बातिन बातिन, का बातिन वो किस तरह से अलग अलग अदवार में बयान हुए हैं उसको दो चार लेक्चर के किसी एक फेसबुक के अंदर एक क्लिप को सुन के वहाँ से राय कायम नहीं करना चाहिए यह हमारे मौजूद में हैं कि हमारे यहाँ पे सोम सलात किस चीज़ का नाम है उसकी रूह क्या है उसके कौन से फरोगात ऐसे हैं जिसमें तब्दीली मुमकिन है कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें तब्दीली मुमकिन नहीं हैं क्योंकि दीन आदम सलाम से लेके कर ख़ातम और कियामत तक ख़ुदा का दीन एक ही है उस दीन के अंदर क्या ऐसी हकीक़तें हैं जिसमें कभी तब्दीली आ ही नहीं सकती है क्या ऐसी चीज़ें हैं सौम सलात केाह कुछ अवज़ा ऐसे हैं जिसमें ज़माने के मुताबिक तब्दीली हो सकती है और ये तब्दीली करने का हक़ हाँ किस के पास है इस पर हमारे लेक्चर में आगे इनशा उसमें एक पूरा मौजू है जब तक वो वहवान वो टॉपिक नहीं आता है तो हम वक्त से पहले फिर उन सवाल के जवाब भी हम नहीं दे सकते हैं अक्सर सवालत इसी तरह शर्क और तोहद के हवाले से भी सवाल हमने देखे। ये भी शिरक भी हमारा एक मौजू है और इसमाइली नज़रिया तोहद भी हमारा एक मौजू है कि शर्क किस मुकाम पर है क्या अल्लाह तबारक वताल जो कि सुबह रब्बिल इज़्ज़त अम्मा या सिफून हर चीज़ से जो पाक है मुनजा है उसकी कोई न ज़िद है न उसकी कोई निद है तो किस बुनियाद पे उस हस्ती के साथ शिरक हो सकती है क्या मुमकिन है या किस मुकाम पर अल्लाह तबारक ताला के तरफ से उनका जो खलीफा जो वजहुल्लाह जो सूरत रहमान दुनिया में मौजूद है या उसके साथ कोई बशरी मुताबिकत होने की वजह से या उसके साथ लोगों ने उस उसदे के अंदर अपने आप को शरीक करने की कोशिश की है या खुदा वंद सुबहान के साथ किसी ने अपने आप को शरीक किया है तो ये भी हमारे एक मौजूद में से एक मौजू है तो हम इस पे भी ज़्यादा कमेंट इस वक्त नहीं करेंगे आप तमाम से गुजारिश है कि आप कोशिश करें कि तरतीब से इन चीज़ों को सुन लें इसके बाद किसी ने सवाल किया है तफसीर इस्माइली मज़हब के अंदर आ, हमारे अकीदे के अंदर तफसीर के हवाले से ये याद रखें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बात जिस तरह तंज़ील पे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की तो फ़रमाया कि मेरे बाद एक शख्स जो कुरान की तावील पर जंग करेंगे तो साहब कराम ने पूछा कि वो शख़्स कौन है तो वो हस्ती मौत आम की तरफ इशारा किया गया आसिफुन्नाल यानी उस वक्त मौलान मुरतजा जूतियाँ दुरुस्त कर रहे थे या सी रहे थे तो उनकी तरफ इशारा किया गया वो तावील पर जंग करेंगे तो इसमाइली मजहब के अंदर तावील का तस्वुर है कोई लिखी हुई कोई किताब पर नहीं है क्योंकि तावील हर ज़माने के मुताबिक ज़माने के तकाज़े के मुताबिक वो अला चेंज होते रहते हैं और वो इमाम सलाम के सरपरस्ती में इमाम सलाम जिनको मुंतखब करें उन पीरों और दाइयों के ज़रिए से वो इल्म ज़माने में आता है और उसके अंदर हर जमाने के मुताबिक वो तावील बदलती रहती हैं तो क्योंकि तावील दर तावील है तो वहाँ पे कोई लिखी हुई तस्वीर सिर्फ़ एक तफसीर का कोई तस्वुर नहीं है इसलिए हमारे पीरों ने भी अपने ज़माने में जो जो वजाहतें की हैं उन्होंने फ़रमाया है कि हमने अपने दौर के तकाजे के मुताबिक इतनी वज़ाहत की है क्योंकि कुरान क्यों का मालिक इस्माइली अक़ीदे के मुताबिक हर वक्त हाज़िर मौजूद है तो वो हर ज़माने के तकाज़े के मुताबिक उनकी एक वजाहत फ़रमाते हैं आ, एक मोहतरम ने सवाल किया है कि मैं इसमाइली अक़ीदा जानना चाहता हूँ कि अगर हजरत हज़रतम की नस्ल से है आ, इमाम तो करबला में इमाम हसन और इमाम हुसैन और उनकी नसल शहीद हुई थी तो फिर उनकी नसल कहाँ से आई तो मेरे मोहतरम आपसे गुजारिश है कि आप तारीख़ को दोबारा पढ़ें करबला में हज़रत इमाम ज़ैन लाबिद्न उस वक्त आ, उस वक्त एक हजरे के अंदर या खेमे के अंदर मौजूद थे उनकी सेहत अच्छी नहीं थी उसके बाद हज़रत इमाम ज़ैन लाबिद्दीन उसके बाद इमाम बाक़र पाकर इमाम जाफ़र सदक़ल ये सब इमाम हुसैन आल के औलाद हैं और करबला में हज़रत इमाम जीलाब्दीन वसलाम शहीद नहीं हुए थे और उनसे ये सिलसिला आगे बढ़ा और जहाँ हज़रत रसूल करीम सल वसम को कुफ़ार मक्का ने ताना दिया था कि आप दुमबरीदा हो गए या आपकी नरीना औलाद नहीं है तो वहाँ पर अल्लाह तबारक वाली इन्ना आता इन्ना कल कोसर फसल रबी हर तो ये आयत यह सूरज जब नाजिल हुआ तो इसकी वज़ाहत इसमाइली पिरों ने कौसर के मानी मर्द कसर जरियत किस तरह यहाँ मौलानतजालीम की तरफ और उनकी क़ियामत तक होने वाली औलाद की तरफ इशारा है और ये मुमकिन नहीं है कि उनकी औलाद को हज़ारों मुखालफों के बावजूद भी उनकी औलाद नाउजबिल्ला खाकम बदहन के उनका सिलसिला मुनकता हो जाए तो वो क़ियामत तक हमारा अकीदा ये है कि वो सिलसिला जारी उसारी है और करबला मोला में आ, ये आ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद शहीद नहीं हुई थी अच्छा हमारे किसी मोहतरम ने वही के हवाले से रसूल सल्ला वसलम के बाद वही का सिलसिला ख़त्म हुआ है बिल्कुल वही का सिलसिला ख़त्म हुआ है क्योंकि आप कुछ लेक्चर्स में आप सुनेंगे तो इसमाइली अकीदे के अंदर किस तरह छः अतराफ़ से पे पे अम्बिया छः साहिबान आए और उन्होंने किस तरह तंजीली काम मुकम्मल किया और उसके बाद क़ुरान की तवील और मारिफत मारिफत का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ है मौला मौलानी सलातलम ने जिस तरह अर्शात फरमाया मन अरफ अफ सहु फ़कत अरफ अ तो यहाँ पर जब इंसान सरातलमस्तकीम पर चलते हुए फमन तब आनी फ़ोनहू मन्नी जिस तरह हज़रत इब्राहीम की ज़बान से अल्लाह तबारक वाली ने कुरान में फ़रमाया तो उनके नक्श क़दम पर चलते हुए अगर कोई शख़्स अपनी ज़ात की मारिफत हासिल करता है और उसके नतीजे में अल्लाह तबारक व वाली की हस्ती का आरारफ हो जाता है तो वो सिरातल मुस्तकीम पे चलते हुए उन तमाम मोज़ज़ा उन तमाम अहवाल को मारिफत की गरज से हमारे अकीदे के मुताबिक देख सकता है लेकिन गुज्त एक लेक्चर में हमने अर्ज़ किया था कि ये याद रखें कि एक है बाघ के मालिक एक है उस मालिक की मेहरबानी से उस बाघ में जाकर उसकी सैर व्याहत करना लिहाजा कुरान मजीद जिस हस्ती पर नाजिल हुआ वो रसूल करीम वसल्लम की ज़ात है लेकिन कुरान मजीद की मारिफत खुदा की मारिफत मुमकिन है तो खुदा के इस अज़ीम ख़ज़ाने की मारिफत भी मुमकिन है जो उराफ़ा हकीकी मानों में अम्बिया आसलम के नक्श क़दम पर चलते हुए जिनको ये मारिफत हासिल होती है वो उन्हीं के करम से मारिफत हासिल होती है तो ये नहीं कहा जाता है कि उनको वही हो गई या उन पर कोई वही नाजिल हुई बल्कि ये कहा जाता है उनको अल्लाह तबारक ताला के इस अज़ीम आसमानी ख़ज़ाने की मारिफत इताअत के नतीजे में उनको हासिल हुई तो मारिफत का दरवाज़ा हमारे अकीदे के मुताबिक कभी भी बंद नहीं हुआ है अलबतः तंज़ील का सिलसिला छः अम्बिया दुनिया में जो छः नुतका आए उन्होंने जो कुछ बयान किया उन्होंने जो कुछ तंज़ीली सूरत ज़माने में लानी थी जिस्मानियत में छः अतराफ हैं और ये छः हस्तियाँ आई हैं आप किताब वजह दिन में जाकर इसकी मज़ीद पैगम्बरों को भेजने की वाजिबियत के हवाले से जो मौजू है उसमें पढ़ सकते हैं तो वो सिलसिला ख़त्म हुआ है मारिफत का सिलसिला तक जारी है हर शख़्स को मारिफत हासिल हो सकती है हर शख़्स पर ख़ुदा का ये इनाम हो सकता है हर शख्स पे लिए ये, ये, ये नवाजिश है तो ये नवाजिश कभी भी अल्लाह तबारक व ताली के ख़ज़ाने से उठ नहीं सकती है कुछ लोगों ने या अली मदद के हवाले से गालिबा याली मदद पर हमने जो लेक्चर किया है उसको सुना नहीं है तो यह मदद के हवाले से फिर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि अली से मदद मांगना शिरक है या कफुर है तो मैं यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ मुख्तसर ये अर्ज़ करूँ कि जहाँ पर सलात वसलाम से मांगने के हवाले से जहाँ पर शिरक का जो तस्वुर लोग कहते हैं तो उनको सबसे पहले या अली मदद के हवाले से जो लेक्चर है उसको जाके दोबारा सुने ये कैसे मुमकिन है कि जिसके लिए रसूल करीम अलैहि वसल्लम फरमाएं कि अली के चेहरे की तरफ़ देखना इबादत है अली के चेहरे की तरफ़ देखना अगर इबादत है तो उसके इसम को विरत करना क्या इबादत नहीं हो सकती है तो ये कैसे मुमकिन है कि आप गैरुल्लाह कुरान के अंदर जो गैरुल्लाह के हवाले से जितने भी आयात हैं उनको अगर आप वजहुल्ला लिसानल्ला जिस हस्ती की तरफ़ देखने के लिए देखना इबादत है जिस हस्ती के नाम को विरत करना इबादत है और जिसको खुदा ने अपना चेहरा करार दिया हो जहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं बियादी मुल्क ख़ुदा के हाथ में अता करने के लिए बादशाहते हैं और जिसको अल्लाह तबारक व ताली ने अपना हाथ करार दिया हो तो अल्लाह के हाथ अल्लाह के चेहरे को अगर आप अल्लाह के साथ क्या शरीक ठहराएंगे कि अल्लाह ताला ने अपने हाथ से किसी को दिया तो क्या अल्लाह ने अपने हाथ से किसी को दिया तो क्या अल्लाह का हाथ उसका जो है हो सकता है क्या अल्लाह अल्लाह के शरीक हो सकते हैं वो जब हिदायत दे रहे थे नहीं अल्लाह की हिदायत अलग है अम्बिया की हिदायत क्या अलग है अलिया की हिदायत क्या अलग है आइम् की हिदायत क्या अलग है या अल्लाह ताला का ये पूरा एक निज़ाम है एक कानून है जिसको आप तफसीली तौर पर या अली मदद के हवाले से हमने बयान किया है उसके अंदर आप जाकर दोबारा आप देखें जहाँ रसूल करीम सल्ला वसल्लम ने फरमाया अली हब्ब जुन्ना अली की मोहब्बत ढाल है तो अली तोलाम से मोहब्बत किन मानों में ढाल है कौन सी जंग है जिस पे ढाल की ज़रूरत पड़ती है वो आपका दुश्मन कौन है तो वो शैतान जो आपका दुश्मन है और उस दुश्मन से बचने के लिए अलीम अली की मोहब्बत को जब ढाल करार दिया गया है तो ये बताएं कि ये क्यों नहीं कहा गया क्या कि ये कि ये कहेगा कोई शख्स कि अली से मोहब्बत डाल है नहीं अली से मोहब्बत अल्लाह से मोहब्बत के कोई यहाँ पे आ, अल, शरीक हैं तो ये शर्क के उनवान से आलरेडी इस पर वजाहत इन आएगी लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ़ जहाँ पे रसूल सल्लम ने फरमाया कि अली जन्ना इमाम जन्ना वलजन्ना के अली और बहिश्तोज़ाह को तकसीम करने वाले हैं तो लास्ट हमने लेक्चर के अंदर के किस तरह मोमिन और मुनाफिक के दरमियान फ़र्क़ करने के लिए मीज़ान हैं उस पर पूरी तफसील से डिस्कशन हुई हैं तो यहाँ पर आप खुदा के लिए आ, उन लेक्चर्स को दोबारा सुनें इस पर गौर फिक्र करें और अम्बिया के लिए जो आयत हैं उनको अलग तरह से समझने की कोशिश करें खुदा के हाथ खुदा के चेहरे के तस्वूर को गैर उलवाह के लिए जो आयात हैं जिन लोगों ने अल्लाह ताला की अम्बिया के साथ दुश्मनी की है उनकी मजम्मत की जो आयात हैं उनको वजुल्ला और सूरत रहमान पर अगर इतलाक करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से बहुत सारे मसाइल जो है ना आ सकते हैं इसके बाद किसी ने सवाल किया कि, कि इसमाइली क्या वजीफ़ा कर सकते हैं तो यहाँ पर और अगर वजीफ़ा कर सकते हैं कौन उनको देगा तरीक़ा क्या है तो यहाँ पे मेरे ख़्याल में वजीफ़ा लफ वजीफ़ा उन मानों में नहीं है कुरान के अंदर ज़िक्र है दुआ है तस्बी है इबादत के लिए सलात है तो ये कुछ असलाहत हैं तो अगर वजीफ़ा से यहाँ आपका मुराद ज़िक्र है तो यकीनन इसमाइली मजहब के अंदर ज़िक्र के मुख्तलिफ तरीकों पर मुकम्मल तौर पर बयान है और जिसका हमने ज़िक्र भी किया है और खसूसी तौर पर अगर आप यकीनन आप इस्माइली हैं आपको पता है कि इमाम सलाम के अलावा इस्माइली मजहब के अंदर तस्वीर देने के हवाले से या इसम आज़म देने के हवाले से इमाम सलाम से किस तरह इसम आजम हासिल किया जाता है और उसके ज़िक्र करने का तरीक़ा क्या है और अमूमी जो असकार हैं उसके लिए इमाम ने किस तरह फरमाया है कि अगर आपको सेकेंड और बल्कि उसका भी कोई दसवां हिस्सा भी अगर आपको फारिग मिले तो उस वक्त तस्वीर लें या अल्लाह या या अली मोहम्मद ये तस्बीहात करने के लिए खुद ने फरमाया है अगर किसी के पास वक्त है तो वो यकीनन यकीन तौर पे किसी भी टाइम पे ज़िक्र कर सकते हैं और ख़ुसूसी वक्त की जो तस्बीह और ज़िक्र है वो चार से पाँच बजे की बैतुल बैतुलख्याल की बंदगी है वो आप तमाम को मालूम है आ, उसके बाद यहाँ पे हमारे किसी मोहतरम ने आ, सवाल किया है कि ये जो हदीस है मैंने आपसे शुरू में अर्ज़ किया कि जहाँ बहसुमबा की बात है मुनाजरे की बात है उसके लिए हमें इजाज़त नहीं है मैं सिर्फ़ एक सिर्फ़ एक सोच की बात कर रहा हूँ मैंने मूमिन और मुनाफिक के दरमियान जो फ़र्क़ के हवाले से अर्ज़ किया था तो हमारे आ, कुछ दोस्तों ने कहा कि आ, उसमें बाकायदा लिखा है यह हदीस आपने अपनी तरफ से आप लेकर आए हो ऐसी कोई हदीस नहीं है और इस पे कई एक फितवे भी लगाए गए काफिर भी कहा गया तो देखें मैं इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा था कि जहाँ पे ये सोच हो कि कोई बात सामने आती है कोई इल का कोई शिदाई हो तो फिर वो सबसे पहले तहक़ीक करता है क्या ये बात है या नहीं है दूसरी बात यह है कि कोई शख्स कहता है कि मैंने आज तक नहीं सुना है क्या इसका कोई हवाला मिल सकता है मेरे लिए ये नई बात है तो जब हम किसी बात को हमने सुना नहीं है वो बात सही है या गलत है उसका फ़ैसला करने से पहले ही अगर फितवे लग जाएँ तो ऐसी सोच में यकीन किसी के साथ भी ना बहस हो सकती है न किसी को समझाने की कोशिश की जा सकती है मैं सिर्फ और सिर्फ आपको मैं बताऊं कि ये अहदिस यानी आपके तमाम जितने भी आइमा हैं आइमत से मुराद इस्माइली अइम् का तस्वूर अलग है जहाँ पे आप लोग इमाम मुस्लिम इमाम नसाई और जितने भी इमाम मानते हैं इमाम आ, मुस्लिम के अंदर बाकायदा हुब्बे अली ईमान है का एक पूरा अलग अनवान है इवन इमाम नसाई ने भी अलफ़र्क बिन अलमिनमुनाफ़िक मोमिन और मुनाफिक के दरमियान फ़र्क ये पूरा एक चैप्टर है आप उसमें जाकर आप पढ़ सकते हैं इवन सह कराम फरमाते थे कि कुन्ना ना रिफ़ालमिना बेहबिम अलियाँ वकन्ना ना रिफ़ुलमुनाफिक न मुनाफिका बिब्ज़ हिम अली के मुनाफिक और मोमिन को हम अली की मोहब्बत से पहचानते थे और मुनाफिक को बगज़ से हम पहचानते थे तो ये आप मुस्लिम के अंदर भी है ये आपसाई ने भी इसको कोट किया है बल्कि तमाम अहादीस की किताबों के अंदर ये मुस्ंद आप यूट्यूब में भी जाके मुख्तलिफ मुख्तफ को इस हवाले से आप सुन सकते हैं पढ़ सकते हैं तो ये मुस्ंद हदीस है ये सब इस पर मुतफ़ हैं तो अलैहिस्सलाम दरहकत वो मीज़ान हैं जिसके ज़रिए से मोमिन को और मुनाफिक को पहचाना जा सकता है तो बाहर कैफ और भी बहुत सारे आपके जहनों में सवालत होंगे और सवालत होनी भी चाहिए लेकिन ये सवाल का मकसद इल्म हासिल करना हो और ऐसे किसी भी सवाल का हम जवाब नहीं देंगे जिसमें बहस हो जिसमें मुनाजरा हो और जो लोग आके चैलेंज करते हैं कि हमसे बहस करें मुनाजरा करें तो उनसे हमारी गुज़ारिश है कि देखें कि सिर्फ़ कमेंट में जाकर और वो भी किसी एक मिनट की एक क्लिप को देखकर उसके कमेंट में जाकर ना मज़हब समझा जा सकता है न मजहब समझाया जा सकता है अगर उनको इल्म हासिल करने का शौक़ है उनके अकीदे के बड़े बड़े उनके होंगे उनसे जाकर इल्म हासिल करें ये हमारा ग्रुप हम इस्माइलीस क्योंकि सोशल मीडिया की मैंने अर्ज़ किया हकीकत से इनकार नहीं कर सकते हैं हम आपस में यूथ हमारे इमामों ने हमारे पीरों ने हमारे अक़ीदे को जिस तरह से बयान किया है हम एज़ इट इज़ उन चीज़ों को आपस में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे ना हम बिल्कुल आपसे ना बहस करेंगे ना मुनाजरा करेंगे और मैंने जिस तरह से अर्ज़ किया आप लोगों ने बताया कि अगर आप इतने बड़े आलिम हैं बिल्कुल भी हम कोई आलिम नहीं हैं हाँ अलबत्तः जो एक सवाल किया गया है तो आप कुरान को शुरू से ले कर तर्जुमा करके आप बताएँ तो हमें पता चलेगा तो वो भी हम ज़रूर ये हमारे कोर्स में शामिल हैं क़ुरान को हम शुरू से हमारे आइमा आलिम सलमाम ने और हमारे पीरों ने क्या वज़ाहत की है उसको भी मैं अपनी अक़ल से अपने जहन से वजाहत नहीं कर सकता हूँ ना इसमायली मसहब में इसके लिए गुंजाइश है हाँ हमारे आइमा आसलम और उनके का अमर जिन पीरों और दाइयों के पास है उनकी इजाज़त से जिन पीरों ने जो कुछ वजाहत की है उस वजाहत को हम कोशिश करेंगे हमारे इसमाइली जितने भी बहन भाई हैं उनको हम बताएं कि हमारे अक़ीदे में हमारे पीरों ने और इमामों ने इसकी ये वज़ाहत की है सिर्फ और सिर्फ हम इतना कर सकते हैं इससे आगे की हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है और भी कोई सवाल हो इन शह हम आपके सवाल का आगे कोशिश करेंगे जवाब देने की लेकिन अर्स ये है कि आप तरतीब के साथ इन लेक्चर्स को सुने किसी लेक्चर में कोई बात समझ में नहीं आए तो उसके ज़रूर आप सवाल करें लेकिन हमारे वो मौजूद जो आगे जाकर हम बयान करने वाले हैं अगर उन मौजुआत में से अभी सवाल आएगा भी जब तक हम उस टॉपिक को वजाहत के साथ उस मौजू को हम बयान नहीं करेंगे तब तक हम उस सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ारी आप तमाम तो कोई याली मदद